कुछ ही दिन पहले मैं और अनंत भाई गए थे दुबई। एयरपोर्ट पे हमें रोका और पूछा कि अपने साथ कितना कैश कैरी कर रहे हो। हमने कहा 50,000। तो ऑफिसर ने बोला इट इज नॉट अलाउड, आप मैक्सिमम 25,000 रुपए ही कैश इंडियन करेंसी में ले जा सकते हैं। थैंकफुली हम कैश इंडियन करेंसी में नहीं यूएसडी में कन्वर्ट करके ले जा रहे थे, लेकिन हमें इस रूल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एज पर CBDTC रूल, सारे इंडियंस, NRIs और फॉरिनर्स एक्सेप्ट पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सिटीजन इंडिया में आते समय या जाते समय अपने साथ 25,000 रुपए इंडियन करेंसी में कैरी कर सकते हैं। इसमें एक रूल ये है कि नेपाल और भूटान के सिटीजन इस अमाउंट को 100 रुपए से बड़ी करेंसी में कैरी नहीं कर सकते। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेशी सिटीजन के लिए इंडियन करेंसी या तो बाहर से इंडिया लाना या इवन इंडिया से बाहर ले जाना दोनों ही इलीगल है। फॉरेन जाते समय इंडियन सिटीजन RBI के अप्रूव्ड वेंडर से करेंसी कन्वर्ट करके विथ रिसिप्ट ले जा सकते हैं। वहीं रिटर्न आते समय अनलिमिटेड फॉरेन करेंसी इंडिया में लाना अलाउड है। डोमेस्टिक ट्रेवल में अगर आपको 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश कैरी करना है तो उसका वैलिड सोर्स और रीजन आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, नहीं तो आपको एयरपोर्ट पर रोका जा सकता है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप कौन सी कंट्री में थी, या अगर अभी तक नहीं हुई है तो किस कंट्री में आप जाना चाहेंगे।